फ्रेंड, वेलकम बैक माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा ब्लॉग काफ़ी दिन से नहीं जा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और मेरी तबीयत ख़राब हुई थी वही धनतेरस को, तब से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया था। मेरी तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे मौका नहीं मिला, और अब थोड़ा बहुत मैं ठीक हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर कर देती हूँ। और मैं आज अपना शादी का एल्बम आप लोग को दिखाना जा रही हूँ, मतलब। और अभी आप लोगों ने भी बोला था कि वीडियो दिखाने के लिए, तो भी मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ उसका। अब कैसेट आ गया है लेकिन अभी मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ, बट आज मैं आपको एल्बम ज़रूर दिखाऊंगी। तो दिखाते हैं हम आपको वीडियो को, प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये मेरा बैग है और इसमें मेरी फोटो रखी हुई है एल्बम, तो हम दिखाते हैं। फोटो मतलब ये इंगेजमेंट का एक इसमें फोटो भी दिए हैं, और ये बड़ी है, मैं इसको भी फ्रेम करवाऊंगी अपने कमरे में लगाने के लिए। देखिए मैं इतने अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैं शूट भी कर रही हूँ और ब्लॉग भी बना रही हूँ। तो ये इसी के साथ आया था और मैं इसको देखी भी नहीं थी, और अभी मैं एल्बम भी नहीं देखी हूँ। दिखाते हैं, ये देखिए, हैप्पी वेडिंग ऑन 8 दिसंबर 2020। तो अब मेरी एनिवर्सरी भी आने वाली है। यहाँ पे फोटो है हम लोगों का, ऑडियस वेड्स जूली। तो हम खोलते हैं, तो यहाँ पे मतलब मुझे कुछ लिखने के लिए है अपना एक्सपीरियंस, मुझे कैसा अपना अच्छा लग रहा है अपनी लाइफ, क्या कैसे यहाँ पे लिखना है। तो अभी मैं देखी नहीं थी तो आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं पहली बार भी देख रही हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल। तो ये देखिए, वेडिंग सेरेमनी, कांग्रेचुलेशन टू द फ्यूचर ब्राइड एंड ग्रूम, मे योर रिलेशनशिप लास्ट फॉर एवर एंड योर लव लास्ट फॉर इंटरनिटी। तो यहाँ देखिए, ये इंगेजमेंट की है मेरी, देखिए, और यहाँ पे शादी का भी लगाए हैं, और ये इंगेजमेंट का, और इधर ये पापा जी हैं, ये मेरे ससुर जी हैं, और ये मेरे पापा हैं, ये चाचा हैं, ये भी चाचा हैं मेरे, और इनको तो पता ही है कौन है ये, और ये शायद विधायक थे, मुझे इतना नहीं पता है। और ये है मेरी दीदी, मेरी बड़ी वाली दीदी हैं, और ये मेरी मम्मी हैं, मेरी छोटी सिस्टर, और ये मेरा भाई है। ये देखिए, हम तीनों सिस्टर साथ में यहाँ पे, ये देखिए, और यहाँ आपको हम मिलवाते हैं। ये हैं मेरे देवर जी, ये रेडी नहीं हो पाए थे क्योंकि सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर था, और ये उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब काम पड़ गया था तो ये तैयार नहीं हो पाए थे भैया। और ये हैं मेरी ननद प्रीति, आप जानती हैं, ये मेरी हैं मतलब चाची की लड़की हैं,
और ये भाभी हैं और ये फ्रेंड है, दीदी की फ्रेंड है ये। तो ये देखिए भाई बहन दोनों लोग, तीनों लोग हैं, दीदी भी है। तो ये देखिए फ्रेंड, हम लोग का एंगेजमेंट करी। यहाँ मेरी पूरी फैमिली है, ये मेरी पूरी फैमिली है यहाँ। और ये ससुराल साइड से सब चाचा हैं, ये सारे चाचा हैं, ये फूफा हैं, बाकी सब चाचा हैं। और ये हाँ मैं बताइए टिकट से हैं। और ये पापा हैं, दीदी इधर, मेरे पापा और भैया मतलब देवर जी हैं। और ये मौसी हैं मेरी और मौसी की लड़की। और ये नाना दिखाते हैं, और ये है डेकोरेशन। और ये स्टेज था हम लोगों का, ये इधर इधर मामी हैं, ये मामा हैं और मामी लोग हैं। तो यहाँ मैं डांस कर रही थी, तो ये डांस का पिक है। ये देखिए ये है मोमेंट्स। ये बरिच्छा का है। और यहाँ देखिए ये पापा हैं और ये है मेरा भाई। तो मेरा भाई भी आया था। ये हैं बुआ इधर लड़के की साइड से और चाचा हैं। ये हैं मौसा जी, चाचा जी हैं और पापा। ये है मेरी मम्मी, सासू माँ है ये। और बाकी आप लोग मिल ही चुके हैं। और यहाँ पे मेरे हैं, ये मेरे जीजा हैं, मेरे जीजा जी हैं। ये हैं मेरे जीजा जी, दीदी, भाई और बहन है, पापा, नाना है और मामा मामी। बाकी ये मेरे पापा हैं, ये मेरे दोनों पापा। ये देखिए ये सभी फैमिली पिक है। ये देखिए मेरे भाई का चिक्स खींच रहे हैं, ये परेशान कर रहे थे मेरे भाई को ज़्यादा। मम्मी हैं और मामा, ये सिस्टर्स ब्रदर्स। ये है हल्दी की पिक,
यहाँ। यहाँ देखिए अब ये लोग ना बारात के लिए निकल रहे थे, उस टाइम का ये पिक है। और ये बैठ भी गए हैं रथ पे, और ये बारात टाइम का है, ये देखिए। तो मैं अब आ गई। तो यहाँ ये मेरी पिक कैसे लगी आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में, क्योंकि ये वाली पिक मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है। ये मेरी छोटी सिस्टर है, जब ये लोग द्वार पे पहुँचते हैं ना तो हम लोग की तरफ से इनकी मतलब आरती उतारी जाती है, और इन लोग को फिर देखिए दूल्हे राजा पहुँच गए हैं। मैं इस टाइम बहुत नर्वस थी, मतलब मैं डरी हुई थी, तो मैं बस रूम में अकेली बैठी थी, बाकी सभी लोग नीचे थे। और ये देखिए दोनों सिस्टर हैं मेरी, और इधर साइड पिंक में मेरी ननद है। ये मौसी हैं, और ये मेरे बड़े पापा हैं, तो बड़े पापा इनका तिलक कर रहे हैं। और ये है मिष्टी, यहाँ देखिए फाइनली। तो मैं स्टेज पे जाने के लिए तैयार थी, ये देखिए मैं। तो ये देखिए मेरी, मैं एंट्री पापा के साथ की थी। पहले तो मैं ये डोली पे मैं आई, फिर उसके बाद मैंने पापा के साथ एंट्री किया था। तो यहाँ मुझे पापा पकड़े हुए थे, और यहाँ देखिए ये मेरे मम्मी पापा, सास ससुर जी हैं, और दीदी, ये दीदी जीजा, इधर से इनके फ्रेंड लोग थे। ये मेरा भाई रो गया है, बहुत रो रहा था, इसका फेस देखो अभी भी जैसे उदास था। पूछ देखिए आप लोग, ये मेरी सिस्टर, और ये सब लोग
मामी हैं, ये भी मेरी मामी हैं, ये भी मामी हैं, और ये दोनों सिस्टर हैं, ये भी मेरी सिस्टर ही हैं, और ये भी सिस्टर ही हैं मेरी। और यहाँ से भी ये लोग भी मेरी ननद सब लगती हैं, मेरी ननद ही हैं यहाँ से। तो यहाँ देखिए, हाँ मैं हल्की सी स्माइल की थी, बाकी कहीं भी आप मेरी स्माइल नहीं देखेंगे। और यहाँ भी मैं स्माइल की हूँ, मैं खाई नहीं थी कुछ भी, बस पिक लेने के चक्कर में ये हुआ था, बाकी मुझे भूख नहीं लगा था उस दिन। और ये देखिए मैं इनको खिलाई थी, मैं उस दिन खाई नहीं थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाई थी मैं उस दिन। और ये है सात फेरे के टाइम का है ये सब, देखिए। ये जो मुझे जेवर चढ़े हुए थे, जो भी ज्वेलरी वगैरह थी वो सब है इसमें। और पापा मेरे यहाँ कन्यादान कर रहे थे, ये देखिए। मेरी मम्मी पाँव पूजा जाता है ना यहाँ, तो हम लोग की तरफ, तो वो सब पापा मम्मी रस्म कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग कस्में खा रहे थे जो कराया जाता है वो सब। ये फेरे के टाइम का है पिक, तो इधर मेरा भाई दे रहा था। तो ये देखिए सिंदूर लिखा भी है सिंदूर, ये देखिए। ये लावा परछन का है, तो मेरा भाई छोटा था नहीं हो पा रहा था, तो मम्मी भी आ गई थी इसी में, तो लावा परछन भाई के हाथ हुआ था मेरा। भाई ही लावा पर मतलब परछन करता है। तो देखिए चाचा भी हैं, ये देखिए ये गोबर का है। गोबर में हम लोग ये रिंग वाला होता है ना, रिंग खिलाया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग खेल रहे थे गोबर में। और ये मिलाया जाता है बाती, जो दिया होता है ना, तो उसको मिलाया जाता है ये। तो ये पिक मुझे बहुत अच्छी लगी, ये भी देखिए। तो ये मेरी पिक कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा आप लोग। खिचड़ी टाइम का, तो खिचड़ी टाइम का पिक है ये। ये दीदी है मेरी, इतना ज़्यादा इनको पाउडर लगा दी थी, ये देखिए आप लोग, बहुत मज़ा ली थी इनका। और ये बड़े पापा हैं, ये सिस्टर है मेरी। तो ये है विदाई का सीन, जो कि पापा और हम विदाई का है। तो ये देखिए, तो ये दादा दादी जी हैं मेरे। लास्ट का एंड हो गया, तो ये लास्ट पिक है हम लोग की। तो ये भी खाली है, यहाँ भी कुछ लिखना है मुझे। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।